वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम पहले सत्र में श्रवण कर रहे थे पुतना कंस की भेजी हुई गोकुल में आई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुन शारण्यघनंती पुर ग्राम प्रजादिशु। कंस की भेजी हुई वह दुष्ट पुतना ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई और गोकुल में आई। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई पूतना गोकुल में पहुंची, तो यह कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। जब परीक्षित ने यह सुना कि पूतना गोकुल में पहुंची, तो परीक्षित एकदम भयभीत हो गए और बड़े भारी चिंतित हो गए कि पूतना कहीं मेरे गोविंद के पास श्री कृष्ण के पास न पहुंच जाए। देखो परीक्षित का प्रेम कितना प्रेम है, सुन रहे हैं कथा और उनको ऐसा लगा मानो मेरे कन्हैया गोकुल में हैं और इस समय पूतना और राक्षसी गोकुल में जा रही है, कहीं मेरे कन्हैया को कुछ हो न जाए। परीक्षित चिंतित हो गए। तहसील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भाव को समझ गए कि परीक्षित भगवान के लिए चिंतित हो गए, तो तुरंत ही दूसरा श्लोक बोलते हैं, कहते राजन चिंता क्यों करते हो। बोले न यत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानी स्वकर्मशु कुर्वंत सात्वताम भर्तुहु या तु धान्यश्च तत्र हे। कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणान वर्णन होता है, जहाँ भगवान श्री हरि का कीर्तन श्रवण कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की पूजा इत्यादि होती है, ऐसे स्थान पर पूतना या किसी भी राक्षस या राक्षसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की लीला गुणान वर्णन नहीं होता हो और जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती हो, ऐसे स्थानों पर इन राक्षसियों का चुड़ैलों का भूत प्रेतों का प्रभाव पड़ता है। अरे जिस घर में गोविंद की पूजा होती हो और उनका गुणान वर्णन होता हो, उनका कीर्तन श्रवण होता हो, तो वहाँ राक्षसी क्या, राक्षसी का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजन चिंता मत करो, अरे जिस स्थान पर भगवान का श्रवण कीर्तन होता है वहाँ राक्षसों का कोई प्रभाव नहीं होता और जहाँ साक्षात भगवान गोविंद गोकुल में विराजमान हैं, तो फिर पूतना क्या बिगाड़ सकती है, आप निश्चिंत रहो। तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही महाराज परीक्षित को धैर्य बनाया। इधर पूतना छह कोश लंबी है, उसका आकार छह कोश लंबा, छह कोश मतलब 18 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी, और दो कोश चौड़ी छह कोश लंबी, इतना उसका लंबा चौड़ा आकार, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। बड़ी भारी राक्षसी थी,
आकाश मार्ग से घूमती घूमती वह गोकुल की ओर आई और गोकुल में घुसने का निरीक्षण कर रही है। चारों तरफ देख रही है किधर से हम घुसें। वह बड़े बड़े योद्धा बलवान गोकुल की रक्षा में खड़े हुए हैं। पूतना ने विचार किया कि इस तरह से तो हम गोकुल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अब हमको कोई दूसरा ही मार्ग अपनाना होगा। तो पूतना यद्यपि राक्षसी थी पर माया भी थी, बहुत माया जानती थी और अधिकतर राक्षस आसुरी माया को जानते ही हैं। वह पूतना अपनी माया से इतनी सुंदरी बनी सुखदेव गोस्वामी उस पूतना की सुंदरता का और किसी से तुलना करना चाहते हैं कि पूतना कितनी सुंदर थी। सुखदेव गोस्वामी तीनों लोकों में उतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं ढूंढ पाए, कितनी किसके साथ तुलना करें, तो बोले रमा इवह। नहीं, पूतना इतनी सुंदर बनी कि लक्ष्मी जी के समान एकदम सुंदर हो गई, माया भी थी। इतनी सुंदरी बनकर के पूतना और हाथ में कमल का फूल लेकर के कमल के फूल को घुमाती हुई और गोकुल में प्रवेश कर रही है। इधर नंद महाराज बड़ी बड़ी योद्धाओं को गोकुल की रक्षा में चारों तरफ से निरूपित जो कर गए थे, तो पूतना ने देखा कि किधर से घुसे। तो पूतना जैसे घुसने का प्रयास किया तो जितने बड़े बड़े योद्धा थे पूतना की सुंदरता को देख करके ऐसे मुग्ध हो गए, ऐसे मोहित हो गए उस सुंदर स्त्री के रूप पर कि बस अपने शरीर की सुधबुद ही भूल गए। राजन, न किसी ने पूतना को रोका, न किसी ने टोका, सीधी नंद भवन में ही पहुंची पूतना। और वहां जब पूतना पहुंची तो उसमें मैया अपने लाला को पालने में झुला रही थी। मैया रोहिणी वहाँ बैठी वहीं अपने लाला को गोद में लेकर के। जैसे ही पूतना वहाँ पहुँची तो पूतना को देखते ही यशोदा मैया ने कहा, अरे भाई चलो कोई गोपी आई है, इसके स्वागत के लिए मैया यशोदा ने बैठने को एक पीड़ा डाल दिया, पीड़ा चौकी या पीड़ा। पूतना उस पीड़ा पर चौकी पर बैठ जाती है और मैया यशोदा उस पूतना को पहचान रही है, उसकी ओर देख रही है। पूतना बोली यशोदा मैया, अरे तुम वो को पहचान रही हो ना, मेरी ओर बार बार टुकुर टुकुर देख रही हो, मेरे पहचान भी अकेले हैं, तुम वो को पहचान नहीं सकोगी तुम, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे या ब्रज की तो गोपी हूँ नहीं। मैया यशोदा बोली, देवी फिर कहाँ की हो तुम? देखो यशोदा रानी, मैं तुम्हारे या ब्रज की गोपी नहीं हूँ, मैं मथुरा से आई हूँ। बोली, मथुरा वासिनी गोपी सांप्रतम विप्रकामिनी श्रुतुम वाचक वक्त्रेण तत्त्वम मंगल सूचकः। वो कपट रूपिणी पूतना कपट की माया भी बन के आई थी ना, और क्या कह रही है यशोदा मैया सो, देखो मैया यशोदा, मैं तुम्हारे या ब्रज की गोपी नहीं हूँ जो तुम वो को पहचान सको, मैं कहाँ से आई हूँ मालूम है? यशोदा मैया बोली, कहाँ से आई हो देवी? तो बोली, मथुरा से आई हूँ मैं। देखो यशोदा रानी, मैंने जब सो मैंने सुनी कि मैया यशोदा के यहाँ वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, तो बस ये समाचार सुनते ही मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, मैं गदगद हो गई। देखो यशोदा रानी के ऊपर भगवान ने इस वृद्धा अवस्था में कितनी भारी कृपा करी है। तो मैंने विचार किया कि चलो यशोदा रानी के बालक को आशीर्वाद दे के आऊँ, क्योंकि मैं विप्रकामनी पंडितानी हूँ, मथुरा की पंडितानी, तो तुम्हारे लाला को मैं आशीर्वाद देवे के लिए आई हूँ। मैया यशोदा बोली, अरे देखो पंडितानी जी, अरे तुम सवन के भाग्यंस हो, सब ब्रजवासन के भाग्यंस हो, ब्राह्मण और साधुओं के आशीर्वाद हो, या वृद्धा अवस्था में मेरे एक लाला की प्राप्ति हुई है, नहीं तो अब तो हमारी कोई आशा ही नहीं रही थी कि इस अवस्था में हमारे कोई बालक या लाला की प्राप्ति होगी। ये तुम सवन को आशीर्वाद है और मेरो लाला नहीं, ये तुम सवन को ही लाला है। भोली भाली मैया,
तो पूतना बोली, यशोदा रानी देखो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद तो देवे के लिए आई हूँ, और ये आपके लिए बहुत रहस्यमयी बात बताती हूँ मैं। मैया यशोदा बोली, वो कौन सी बात है देवी? तो पूतना कहती है, देखो यशोदा जी, मम स्तनौ च सर्वश्रेय स्तनौ नित्यम अमृतम झरतः येन पीतेन सो अयम निसंदेह सिद्ध देह स्यात्। ये गोपाल चंपू में ये गोस्वामी कहते हैं। पूतना कहती है कि देखो यशोदा जी, मैं आपके लिए एक बड़ी रहस्यमयी बात बताती हूँ। वो रहस्यमयी बात ये है कि जो मेरी स्तन है, ये संसार में सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ मेरे स्तन है। क्या विशेषता है इनमें? बोले इनसे हमेशा अमृत टपकता रहता है, नित्यम अमृतम झरता, मेरे स्तनों से हमेशा अमृत ही टपकता रहता है। और येन, जो इन मेरे स्तनों का दुग्ध पान करेगा वो निसंदेह सिद्ध देह स्यात्, यानी अमृत टपकता है मेरे स्तनों से, और जो बालक मेरा स्तन पान करेगा वो निसंदेह निश्चित रूप से अमर हो जाएगा, देवताओं जैसी लंबी आयु अमरा हो जाएगा। मैया यशोदा तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सभी माताएं चाहती हैं हमारे लाला की खूब लंबी आयु हो। कहीं देव मंदिर में जाएंगी या कहीं भी जाएंगी अच्छे स्थल पर, तो बस यही कामना करेंगी देवी देवताओं से, भगवान से, हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना कि हमारे लाला की खूब लंबी आयु है जाए, हमारा लाला खूब युग युग जीवे। माताओं का ये भाव होता है, ये वात्सल्य भाव होता है। माताएं चाहती हैं हमारे लाला की, हमारे बालक की खूब लंबी आयु हो। तो जब मैया यशोदा ने सुनी कि मेरा स्तन पान करके आपका लाला बहुत लंबी आयु वाला हो जाएगा, तो उस पूतना ने ये भी कहा कि देखो यशोदा रानी, यदि आप कहो, आपकी इच्छा होए, तो मैं तुम्हारे लाला को दूध पिवाऊँ, और दूध क्या, मैं हमेशा दूध पिवावती रहूँ या कहूँ, तो आप मेरे लिए इसके पास ही रख लो, मैं इसकी दाई बन के रहूँगी, इसको दूध पिवावती रहूँगी। भोली भाली मैया यशोदा आएगी बातों में, बोले ठीक है देवी, अरे तुम सवन की तो कृपा से, ये बालक मेरे बालक थोड़ी, तुम सवन को बालक है, आप इसको स्तन पान कराओ और मैं आपको थोड़ा आपको नाश्ता लेके आती हूँ। तो यशोदा जी थोड़ी वहाँ से जैसे ही हटी, रोहिणी भी किसी काम काम बस वहाँ से हट जाती हैं। अब पूतना देखती है कि यहाँ पर अब और कोई नहीं है, उस बालक की ओर देखा। आहा, जब बालक की ओर देखा तो बालक कोई साधारण तो नहीं था, नहीं, क्योंकि जब बालक जन्मा था तो कैसा था? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, अद्भुत बालक था। तो इस समय तो भगवान दो भुज में ही थे। तो पूतना ने जब कृष्ण की ओर देखा, उस बालक की ओर देखा, अद्भुत बालक है, परंतु जैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने विचार कियो कि ये पूतना अविद्या है, माया भी है, राक्षसी है, ये तो राक्षसी है और माया से सुंदरी बन के आई है, ये माया भी है, ये माया भी है, और मैं मायापति हूँ, ये मायापति है और मैं मायापति हूँ। तो मायापति के सामने मायापति के सामने मायावती ठहर नहीं सकती, अर्थात पूतना अविद्या है। तो मेरे सामने ये पूतना की जो आसुरी जो विद्या है ये ठहरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य है कृष्ण, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और जहाँ कृष्ण तानाए माया अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। अरे जिस प्रकार सूर्य निकलते हैं तो सूर्य के निकलते ही अंधकार टिक नहीं पाता, उनके सामने भाग जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ माया का कोई प्रभाव, माया का कोई अंधकार चल सकता है? अर्थात नहीं चल सकता। तो भगवान ने विचार कियो, यदि मैं पूतना की ओर देखूंगा तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी और ये असली भेष में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने उसकी ओर नहीं देखा। क्योंकि भगवान ने विचार किया, हमको अपनी लीलाओं की शुरुआत, लीलाओं का श्री गणेश यहीं से करना है,
तो भगवान ने उसकी ओर नहीं देखा, आंखें बंद कर ली। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने विचार कियो इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम कियो नहीं है, अरे यानी तो हमेशा ही छोटे छोटे बालकों की हत्या करी है, बाल हत्यारी है, राक्षसी है, बच्चों का खून पीने वाली है, यानी इस जन्म में कोई पुण्य कर्म कियो नहीं। अरे कौन से जन्म में ऐसो यानी पुण्य कर्म कियो है, कौन सी तपस्या करी है जिसके फलस्वरूप ये मेरे पास तक आई। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पर अलग अलग संतों की बड़ी अलग अलग भाव हैं, पर भगवान के प्रति नाना प्रकार के भक्तों के भाव होते ही हैं। इधर पूतना ने उस बालक को साधारण बालक समझ करके, साधारण बालक समझ करके उस पूतना को उठा लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई राख के राख में हाथ डाल दे और उस राख में अग्नि का अंगारा हो, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए थे। वो पूतना भगवान को और भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ सकी, वो केवल साधारण बालक समझ करके उस पूतना ने और उस बालक को गोद में उठा लिया। जब उस बालक को गोद में उठाया तो भगवान ने उस पूतना का स्तन अपने मुख में दिया और दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ करके और चुसुर चुसुर पीने लगे, क्योंकि बालक की ऐसी आदत होती है जब माँ का स्तन पान करता है दोनों हाथ से स्तन पकड़ेगा और बड़े प्रेम के साथ पिएगा। भगवान श्री कृष्ण उस पूतना का स्तन जब पीने लगे, उसका दूध पीने लगे, तो दूध पीने के साथ ही साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। जब उसके प्राणों को पीने लगे तो पूतना के जब प्राण खींचने लगे तो पूतना को बड़ी भारी पीड़ा भी और चिंघाड़ने लगी, बोले छोड़ो छोड़ो, सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणी विमृत नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसन्न गात्रा क्षेपति रुरोधा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो बस बस छोड़ो। भगवान बोले मौसी हमको पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता। पहले तो किसी को आसानी से पकड़ते नहीं हैं और जो हमारी पकड़ में आ जाए उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण थोड़े टेढ़े ना त्रिभंग ला लेते हैं, टेढ़े और टेढ़े की पकड़ में कोई आ जाए तो आसानी से छूटता नहीं है। जैसे आप देखेंगे हमारे ब्रज में करील के वृक्ष होते हैं, उनके टेढ़े कांटे होते हैं और उस टेढ़े कांटे में किसी का वस्त्र फंस जाए तो निकल नहीं सकता, फट वाले जाए पर छूटेगा नहीं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, वो टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, उनका खड़ा भी टेढ़ा होना है और देखना भी टेढ़ा है, बोलते भी टेढ़े हैं, उनको समझना भी टेढ़ी खीर है। तो उस टेढ़े की पकड़ में जो एक बार आ गया वो बस बीच में नहीं छूटता, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो पूतना खूब चिंघाड़ती है, छोड़ो 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 बस बस बस, भगवान ने उसको नहीं छोड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन जैसे ही पूतना चिंघाड़ी, उसकी चिंघाड़ से सारा आकाश गूंज गया, पृथ्वी दहल गई, सबके कान बहरे हो गए, ऐसा लगा मानो कोई वज्रपात हो गया गया। पर पूतना बस असली भेष में आ गई, राक्षसी भेष में आ गई और उसने बस उड़ना शुरू किया, लड़खड़ाती लड़खड़ाती उड़ती जा रही है और भगवान श्री कृष्ण उसके स्तनों को पकड़ के और लटके जा रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो पूतना आकाश मार्ग से जा रही है और गोपियों ने जब सुना तो दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर आईं। मैया यशोदा ने देखा कि मेरा लाला नहीं है तो मैया तदड़ाम से पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाती है और मैया यशोदा को अपने शरीर का कोई होश नहीं रहता, मूर्छित होकर के गिर जाती है। क्यों नहीं गिरेगी मूर्छित होकर के, क्योंकि वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति हुई और ऐसे लाला को वो राक्षसी ले गई। मैया यशोदा को कोई होश आवास नहीं, मूर्छित पड़ी हुई है। इधर गोपियाँ लाला की खोज में निकली तो जीव गोस्वामी कहते हैं ऊपर तो पूतना जा रही है और उसकी छाया के नीचे, उसकी छाया के साथ साथ गोपियाँ
दौड़ती दौड़ती जा रही हैं, वो न कुछ कंकड़ पत्थर कांटे इत्यादि कुछ भी नहीं देख रही, बस भागती जा रही हैं। और पूतना लड़खड़ाती जब ब्रज से बाहर निकली तो एक बहुत विशाल बाग को बगीचे को तोड़ती हुई और पूतना जमीन पर जाकर धड़ाम से गिरी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन उस पूतना ने 6 कोस लंबे बड़े सुंदर बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारा बगीचा तोड़ दिया, जो बहुत सुंदर बगीचा फल और फूलों से लदा हुआ था। पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो बगीचा था नंद महाराज का नहीं था, वो बगीचा उस दुष्ट कंस का ही था। उस दुष्ट कंस के बगीचे को ही नष्ट किया था भगवान की लीला शक्ति की वजह से उस पूतना ने, क्योंकि उस दुष्ट कंस के उस बगीचे के फल और फूल भगवान की सेवा में आते ही नहीं थे। जो भगवान की सेवा में फल फूल या इत्यादि कोई वस्तु नहीं आए तो वो तो नष्ट भ्रष्ट होनी ही है। पूतना ने उस 6 कोस बीच के आकार के उस बगीचे को नष्ट कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन पूतना जमीन पर पड़ी हुई है, 6 कोस लंबी है, भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण उसकी छाती पर किलकारी मार रहे हैं, उसकी छाती पर बैठे हुए हैं। इधर गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं तो देखती हैं पूतना बहुत विशाल शरीर है और एकदम चित्त पड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर किलकारी मार रहे हैं। गोपियां वहां पहुंच गईं, भगवान श्री कृष्ण को देखा पर 2 कोस ऊंचे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो पूतना 2 कोस चौड़ी थी ना, और उस छाती पर भगवान जहाँ बैठे थे वो जमीन से 2 कोस ऊंची। अब गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहां से कैसे उतारें? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों ने बड़ी हिम्मत का काम किया, उस पूतना के जो हाथ थे उन हाथों का ही जीना बना करके, और गोपियाँ उसकी छाती पर जाके चढ़ जाती हैं और बाल कृष्ण को उतार के लाती हैं। दौड़ी दौड़ी मैया सुधा के पास आई, मैया अरे मैया देखी लाला तेरो कन्हैया, या को गोद में लो या को दुग्ध पान कराओ या को दूध पिवाओ। पर मैया को होश नहीं और मैया को आशा भी नहीं कि मेरो लाला अब मुको मिल जाएगा, क्योंकि मैया ने सोचा वो राक्षसी मेरे लाला को ले गई, वो राक्षसी मेरे लाला को खा गई होगी, अब मेरा लाला मुझे कहाँ मिलेगा। तो ऐसा सोच कर कि मैया को होश था ही नहीं, वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ी। यद्यपि गोपियों ने खूब मैया को हिलाया, अरे मैया देख तेरे लाला हम लेके आइए या को गोद में लो या को दुग्ध पान कराओ, मैया को होश नहीं आ रो। तो उन गोपियों ने लाला को कन्हैया को मैया की गोद में रख दियो और कहा, मैया देख लाला तेरी गोद में बैठो तो को होश नहीं है। तब मैया को थोड़ो होश आयो और जब मैया को होश आयो अपने कन्हैया को गोद में पायो तो मैया की प्रसन्नता का ठिकाना खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अब मैया को पुनः मूर्छा आ गई, अब मैया को प्रसन्नता की मूर्छा आ गई। तब गोपियों ने कहा, हरी मैया यशोदा लाला को दूध पिवाओ, देखो ये स्वस्थ है कि नहीं। तो फिर मैया यशोदा ने होश में आकर के अपने लाला को दूध पिवायो। जब कन्हैया दूध पीवन लगे तो गोपियां समझ गईं अब लाला बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम स्वस्थ है और सुरक्षित भी है। तो गोपियां बोली, मैया यशोदा अब तुम लाला की चिंता मत करो, लाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यानी दूध पियो ना। ऐसा होता है छोटा बालक, क्योंकि उस दिन भगवान केवल 6 ही दिन के थे, छोटा बालक, जब छोटे बालक को कोई किसी प्रकार का रोग बीमारी हो जाए तो दूध पीना बंद कर देता है। तो माताएं समझ जाती हैं बालक के लिए कोई तकलीफ है जो ये दूध नहीं पी रहा। जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया का खूब प्रेम के साथ दूध पीने लगे तो गोपियां प्रसन्न भईं और कहा कि मैया देख लाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब बालक छोटा बालक प्रेम के साथ माँ का दूध पीता है तो माताएं समझ जाती हैं बालक को कोई कष्ट नहीं है, बालक ठीक है। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुईं पर गोपियां बोली देख मैया लाला है तो ठीक पर वो राक्षसी लाला को लेके गई, वो चुड़ैल थी, उस चुड़ैल को उतारने के लिए कुछ झारो लगा बनो है, वो चुड़ैल उतारनी है। तो गोपियाँ उस चुड़ैल को उतारने के लिए कि लाला पर वो चुड़ैल का कोई असर ना हो,
तो गोपियाँ एक गाय के पूंछ से और लाला का झाड़ा लगाने लगी गाय की पूंछ से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गोपियाँ गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं और भगवान के नाम लेकर के झाड़ा लगा रही हैं। तो ये थोड़ा प्रसंग अभी है, दूसरे सत्र में हम कहेंगे, इसको हम यहीं रोक रहे हैं। अगले सत्र में बताएंगे गोपियाँ भगवान की, भगवान को उस चुड़ैल से सुरक्षित करने के लिए कैसे गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं और कैसे भगवान की रक्षा के लिए भगवान की 12 तिलक स्थान पर 12 तिलक लगा रही हैं। तो ये अगले सत्र में वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।